आज कभी इसको आज तो आज बोली अम्मी मैं मार देती हूँ जो महल्ले के लोगों से मारने बच्चे की सूरत सड़क है महल्ले वाले की सूरत महल्ले वालों को मान रही ना तो बोलेंगे वो बदला कराना खलील के शुक्रिया आंटी, आप आराम से रहिए, रोइए मत। सब भाई थोड़ा थोड़ा प्लीज एक जन खाला, एक जन खाला खाला को एक जने बात आगे हो बाजी, आप आगे हो, थोड़ा आगे हो, राइट चलिए। मैंने पहले उनको सब हुआ था किसी और से बात करने बंदे के घर में आना जाना था, आने जाने पुलिस में लोग बेटा बोलते थे, किसको बोलते थे? मेरे भाई के बेटा था तो उनको बेटा बोलते थे। घर में आना जाना हुआ, बातचीत हुई, वो उनके बीच से शक्कर लेने लगा। मेरा भाई बोला ठीक है मैं नहीं जाता, वो दोस्त का नंबर ब्लॉक कर दिए, वो दोस्त को आना जाना बंद कर दिया। चार दिन सब चेक करे, कागज पड़ गए। उसके बाद क्या करे, मेरे भाई का फोन हाथ में से ले लिए, बड़ी साली और सास और हमारे बाबा पूरे मिलकर मेरे भाई को मार के ये हालत कर दी। इसलिए वीडियो में रिकॉर्ड है। जब भी मैं क्या कर मेरा भाई बोलने जा रहा था, उसको पकड़ लिए, फोन हाथ में से खींच लिए और उसको जाने नहीं दिए। पूरे जिस्म पे नाखून के निशान है। फोटो निकालो बेटा। और क्या करे, घर में कैमरा लगे हुआ है मेरे भाई के, कैमरे के फटके बंद कर दिए, छूटे हुआ तक बच्चे बंद कर, बच्चों का हाथ तो कैमरे फटके तक नहीं जाता। करके पूरी प्लानिंग करके उसके बाद फिर एक हादसा हुआ। फिर अच्छा रहे, पर्स भी घुमाने के लिए लेके गया मेरा भाई। जाके आने के बाद आए घर में, अभी भी फांसी देके उन लोग चले गए घर में से। जाके आजो बाजू बढ़ते मेरा नहीं हुआ था, किसी का नहीं होगा, उसको मारने तक मैं तो नहीं छोड़ती हूँ। उन्हें मर गया तो मैं उसके 10 दोस्तों के साथ रहती हूँ। कौन सा दोस्त है वो जो उसके संगात रहना चाहे? मालूम भाई, एक दोस्त का आना चाहता है, हजारों दोस्त अपने घर पे आते और जितने भी खलील के भाई के मेरे भाई के दोस्त है पूरा के साथ गाड़ियों पे फिर के पूरा निकाले। और अच्छी औरत किसी दोस्त के साथ तो नहीं जाती, भाई के साथ, मेरे दोस्तों के साथ। भाई घर से निकलते हैं, उनके दोस्तों के साथ कितना है। और इनके घर में मेरे भाई की गैर मौजूदगी में गैर रहती है आना जाना। तो मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम नहीं आते जाते इनके अम्मी के पास भी आते हैं। मेरे भाई का नाम क्या है? उनके नाम है, उनके अम्मी तो उनके वाली साहब का बचपन में इंतकाल हो गया, उनके अम्मी का काम ही चाहिए। अभी रहने वाले कहाँ के वो लोग? और सब जने बात करके उनको अलग रखना चाहे तो उन्होंने बोले कि मेरे भाई को छोड़ देती हूँ, उनकी अम्मी को नहीं छोड़ती हूँ, बोले रहना है तो अम्मा के साथ रहो, पूरा खर्चा उठाओ। और मेरे भाई पूरा खर्चा उठाते हैं, बहनों का दूध हर चीज़ से लेके मेरे भाई खर्चा उठाते हैं बचपन में। और उन लोग ये बात से मेरे भाई को नहीं छोड़ेंगे, कम उम्र का है, पूरी जिम्मेदारी चला रहा है। मेरे भाई को रखने पर 10 जनों के साथ उन लोग आते जाते हैं। भाई इतना मासूम है, उनको समझा नहीं, देखते करके अंजाम आते हैं। भाई आज हमारे भतीजा खलील, मोहम्मद खलील नाम है इनका, मेरा भतीजा होना है, सुसाइड कर दिया, फांसी ले लिया सो इनको सर, अपने खुद से नहीं लिए सो है। 2-3 महीने पहले भी फैमिली टेंशन में उनके ससुराल वाले बोले हुए साली सास इनको जान से मार देते हम बोल के, तो आज वही काम हुआ सो। आज हुआ क्या भाई? फांसी ले लिया बोल के बोल रहे हैं। बजे 6 बजे का टाइम था ऐसा, हम लोग भी नहीं थे, जॉब पे थे, फोन करे बताए अभी आज बच्चा फांसी ले लिया। दूसरे जने बोले उनको, वो घर वाले आजू बाजू वाले फोन करके बोले सो है कि 1 घंटा पहले फांसी ले लिया बोल के। क्या कुछ टेंशन दी? फांसी ले लिया बोले, पड़ोस वाले बोले सो है, घर वाले भी नहीं बोले उनको पहले 1 घंटा बोल कर फांसी नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पहले भी फैमिली टेंशनों में जब भी उनको धमकी दिए थे। अच्छा,
इनको मार देते बोल के, इनके सालिया सास बोल के, इनके जब इससे भले भी लड़के खुद गालम गलौजी करके बोले हुए सर फोड़ दिए थे, इससे भले भी उनका टाके लग गए थे, तो अभी भी वही करे वो लोग। अब बोल रहे उन्होंने फांसी ले ली, उन्होंने फांसी नहीं ले सकते जी, कितने शादी जब से ससुराल सास को ले लेके रह रहे हैं साथ, लव मैरिज है, सास को उन्होंने ले लेके थे साथ, सास को साले को। मेरा भांजा नहीं ले सकता फांसी, ये पूरे ससुराल वाले मिलके मारे से हुए मेरे भांजे को, बहुत हिम्मत वाला है, पूरे खानदान की जान थी वो। क्या काम करते थे वहाँ? वीडियोग्राफर थे। अच्छा, कुछ टेंशन था या कुछ उनको परेशानी? भी टेंशन था, अगर फाइनेंशियल भी टेंशन रहता तो घर वालों को मालूम रहता था, अम्मा बहनों को सबको मालूम रहता था। जी, कब हुआ? चार महीने पहले लड़ाई हुई उनकी ससुराल से, बहनों से भी, उनकी बीवी जो है नहीं मिलना बोले, बच्चा ठीक है बल्कि बीवी की बात सुन के बहनों से भी नहीं मिल रहा रहता। जी, ये सब जो सो लोग मिलके मारे सो। आपको कब इत्तला पहुंचे? मेरे को 2 घंटे के बाद मालूम हुआ, उनकी सगी फुप्पू को लोगा फोन करके बोले कि ऐसा खलील फांसी ले लिया, ऐसा देखा गया, तो अगर खुद ले लिया तो बीवी घर में है, उनके ससुराल वाले है, बोल सकते थे फोन करके, मगर नहीं बोले। और ये मर्डर है मेरे भांजे का, जो भी करे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम मोहम्मद रियान खान है। आज मेरे भाई का, आज मेरा भाई फांसी ले लिया। ये मेरे भाई का नाम मोहम्मद खलील खान है। ये तो मेरे 2 महीने पहले से लड़ाई चल रही, मेरे भाई को हालात में मारे थे। किसे लड़ाई चल रही थी? घर में चल रही थी लड़ाई। अच्छा। घर वालों से तो जब भी सिर फोड़ लिए थे, तो फोड़ लिए बोले थे जब, वो भी लोगाई मारे जैसा है। ये अभी भी मेरे को 1 घंटा पहले मालूम हुआ कि मेरे भाई के दोस्त फोन करे के खलील फांसी लेके मर गया बोलिए। और तेलंगाना पुलिस से हमारी गुजारिश है कि